हेलो नारायण। हेलो एवरीवन, हॉलीवुड मैची वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट दिव्य सिकंदर। दोस्तों हमारे साथ हो चुके हैं हमारे अशोक अंकल और आज हम इनसे रिएक्शन लेंगे। समराज फिल्मराज विक्रम मेजर ये हफ्ते रिलीज हुई थी। 1 वीक हो गई है न्यू मूवी को और तीनों मूवी हिंदी सर्किट में नहीं चली सर। आखिर उसका आपकी क्या प्रतिक्रिया रहे आपके नज़र से, आखिर क्या वजह थी जो मूवी नहीं चल पाई? पहले सबको मेरे सब दोस्तों को भाइयों को नमस्कार मेरा। और मैं मुझसे ज़्यादा उम्मीद जो करना है वो तो आप जानते हो कि देखने स्टार्ट करोगे तो रिव्यू पता चलेगा आपको। और मैं अब किसी के बारे में मैं ये सोच के बात करता हूँ आपके सामने कि मुझसे ज़्यादा 10 गुना आप होशियार हो, देखने वाला सुनने वाला, और मुझसे 10 कदम आप आगे हो, ये सोच के मैं अपनी बात करता हूँ। उतना एक्स्ट्रा लंबी लंबी फेंकता भी नहीं हूँ और लंबी लंबी फेंकने के मेरे मतलब उम्मीद भी मत रखना मुझसे। जो जितना मालूम है, जितना मेरा नॉलेज है, उतना ही बोल सकता हूँ मैं। अब जो तीनों बड़ी फिल्में रिलीज़ हुई थी, मैंने तीनों के बारे में रिव्यू दिया था कि भाई तीनों में डिवाइड होगा, जैसे 100% होगा, 40-40-30% ऐसा डिवाइड होगा बोला था। लेकिन जब रिज़ल्ट आया सभी का ऐसा, जो है पब्लिक के ऊपर डिपेंड होता है। मैंने पहले ही बोला था कि भाई यहाँ ये पब्लिक है, अपनी बाप की भी नहीं सुनता तो हमारी तुम्हारी कहाँ सुनेगा। तो हमने तीनों फिल्मों के बारे में डिवाइड होगा ये बोल दिया था। अब डिवाइड इतना हो गया कि भाई कि इसमें किसी का भला नहीं हुआ तीनों फिल्मों में। जो नॉर्थ की बात कर रहा हूँ मैं, जो साउथ के अंदर तो दो चल रही है दो फिल्में कि साउथ के, और ये नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, हमारी तरफ की बात कर रहा हूँ, तो तीनों को भी डिवाइड हो गया तो तीनों का भी फायदा नहीं हुआ। तीनों को भी एकदम तो बोलते पब्लिक ने ऐसा झटका दे दिया कि भाई तुम खड़े भी हो और गिर भी सकते हो, इस तरह खड़ा कर दिया है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के देखो, वो राजा है, उसके रेस्पेक्ट है, सम्राट है, इसके लिए रेस्पेक्ट के लिए हमने फिल्में देखी और बॉलीवुड के लिए भी हमने फिल्में देखी। तो इसीलिए देखी कि हमने इसका रिव्यू भी दिया था कि भाई अच्छी फिल्म है देखो करके। लेकिन जनता के मन में देखना नहीं था, जो चली है देखे उनके मन में था, वो देखे वो पता चला इतने पैसे कलेक्शन हुआ, और जो नहीं देखे वो उनके पब्लिक की समझ में आ गया कि भाई नहीं देखे तो हमें पता चलता है कि भाई ये कैसी फिल्म है वो, और फिल्मों में कैसा है कुछ। अभी हम अच्छा भी बोले बुरा बोले ये हम बोल भी नहीं सकते। कुछ फिल्म क्या बोलते हैं उसको, बॉलीवुड वाले को भी सबको पता है, हमसे ज़्यादा नॉलेज उनको है, जो फिल्म बनाते हैं, एक्टिंग करते हैं, जो उनका पेशा वो है, उन हमारे से ज़्यादा नॉलेज है। हम तो सिर्फ बोल सकते हैं। क्या दुनिया में ऐसा है ना, कोई चीज़ करता है उससे ज़्यादा मज़ा नहीं आता, देखने वाले को मज़ा आता है। यानी दुनिया मज़े उसी के लिए देती है, देखने वाला ले। जैसे कैरम खेलता है तो खेलने वाले से ज़्यादा टेंशन रहता है लेकिन देखने वाला मज़ा आता है। क्रिकेट भी ऐसी चीज़ है, जो स्टेडियम में बैटिंग बॉल करता है ना उससे टेंशन रहता है लेकिन देखने वाला पूरा मज़ा लेता है। इसी तरह ये भी एक गेम है, ये गेम ऐसा है कि ये बिजनेस का गेम है, ये कंपटीशन और बिजनेस का गेम है। तो इसके अंदर पब्लिक ने अपना जो मज़ा लेने का था ले लिया, और जिसको इंटरेस्ट नहीं था उन्होंने दे बोल दिया भाई साइड में कर दिया। चलिए ठीक है, आपके हिसाब से ये बात थी, आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।